बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सब लोग कैसे हैं? तो आज हम बना रहे हैं खजूर और केले का शेक। ये बहुत ही हेल्दी और एनर्जी ड्रिंक है, आप इसको अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही जायकेदार भी बनता है, अफ्तार में इसको पीने के बाद ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से मेरी वीडियो देख पाएँ। और अगर मेरी ये खजूर और केले के शेक की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फिर इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और इसके बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ये 2 गिलास दूध, 4 केले, हमने इनको छील कर और छोटे छोटे पीस में काट लिया है, 6 खजूर, इनकी मैंने गुठली निकाल कर इनको अच्छे से धो लिया है, 2 हरी इलायची, 2 टीस्पून शहद। अगर आप शहद नहीं डालना चाहती तो इसकी जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी ले लीजिए, और थोड़े से आइस क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना खजूर और केले का शेक। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ये केले डालेंगे। ये खजूरें डाल देंगे, हरी इलायची और शहद। और ये 1 गिलास दूध डालेंगे। अभी हम सिर्फ 1 गिलास दूध डालेंगे। देखिए इसको हमने मिक्सी में अच्छे से चला लिया है। अब हम इसमें ये 2 गिलास दूध का डालेंगे और थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे। और इसको एक बार और चला लेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसको दोबारा से भी मिक्सी में चला लिया है। अब ये हमारा शेक बनकर तैयार है, अब इसको हम सर्व करते हैं। लीजिए, हमारे खजूर और केले का शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। ये ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।